नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 3रे मैच में इंग्लैंड की टीम ने शानदार जीत हासिल की। मैच 4थे दिन ही खत्म हो गया और भारतीय टीम को पारी और 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। लेकिन इस शानदार जीत के बाद जहां इंग्लैंड टीम को एक तगड़ा झटका लगा था, टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर बाकी बचे दोनों मैचों से बाहर हो गए। लेकिन दूसरी ओर टीम में 2 शानदार खिलाड़ी की एंट्री भी तय हो गई है। 3रे टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों पारी और 76 रनों से हार झेलने के बाद टीम इंडिया को एक और बुरी खबर मिली है। दरअसल 4थे टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम में 2 धाकड़ गेंदबाजों की एंट्री होने जा रही है। 4थे और अहम टेस्ट मुकाबले के लिए मार्क वुड और क्रिस वोक्स की टीम में वापसी होने जा रही है। वुड ने लॉर्ड्स टेस्ट में अपनी रफ्तार के दम पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों में नाक में दम कर दिया था। वहीं वोक्स अपनी लाइन और लेंथ के बूते ओवल में खेले जाने वाले टेस्ट में टीम इंडिया का खेल बिगाड़ सकते हैं। इंग्लैंड के अखबार डेली मेल के मुताबिक तेज गेंदबाज मार्क वुड और ऑलराउंडर क्रिस वोक्स फिट हो चुके हैं और 4थे टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे। वुड कंधे की चोट के चलते 3रे टेस्ट मैच से बाहर थे और उनकी जगह क्रेग ओवरटन को टीम में शामिल किया गया था। लॉर्ड्स टेस्ट में वुड ने 5 विकेट अपने नाम किए थे। वुड और वोक्स अगर 4थे टेस्ट में मैदान में उतरते हैं तो इंग्लिश पेस अटैक और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा वोक्स अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, भारत के खिलाफ टेस्ट में उनके नाम शतक तक दर्ज है। ऑली रॉबिन्सन और ओवरटन ने पिछले टेस्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और टीम इंडिया को लगातार परेशान किया था। रॉबिन्सन तो प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए थे। ऐसे में इंग्लैंड के लिए मुश्किल ये भी हो गया कि किसे टीम से बाहर किया जाए और किसे टीम में लिया जाए। बता दें, लीड्स के हेडिंगले में खेले गए 3रे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को इंग्लैंड के हाथों पारी और 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम पहली पारी में महज 78 रनों पर ढेर हो गई थी, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 432 रन बनाकर 354 रनों की बड़ी बढ़त हासिल की थी। दूसरी इनिंग में भी टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर इंग्लिश गेंदबाजों के आगे ढेर हो गया और पूरी टीम 278 रनों पर 4थे दिन ही सिमट गई। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।